आमर ओडिशा विस्तृत खबर को जीवा आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्रापड़ा जिला गस्त बरुआठारे आयोजित मिशन शक्ति महिला समावेश जोगदेवे नवीन मुख्यमंत्री गस्त को नहीं जिला प्रशासन पक्ष समस्त प्रस्तुति शेष हो सका 11:00 मुख्यमंत्री यही समावेश उद्बोधन देवे। मुख्यमंत्री गस्त को नहीं पुलिस प्रशासन पक्ष सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी कर चौद्वार जेल्र कैदी सुभ्रांशु दास मृत्यु घटना भिन्न मोड़ नहीं जेल भितर माड़ मरा निशा इंजेक्शन दे हत्या करा पर लोके अभोग कर घटनापी जेल कर्तृपक्ष समेत अन्य 6 जन कैदी को दायी कर चौद्वार थाना लिखित अभोग करपटे निर्यातना अभोग को अस्वीकार कर जेल कर्तृपक्ष मृत्यु पूर्व सुभ्रांशु एक भिडियो आहरी गंभीर कर जेल भितर अपराधिक षड्यंत्र कैदी सेल्फी भाइराल भली घटना को नहीं चर्चा रे थिबा चौद्वार जेल नाँ पुणी एक सांघातिक अभियोग आजीवन सजा काटुवा कैदी सुभ्रांशु दास मृत्यु घटन जेल कर्तृपक्ष उठी आंगुली जेल कर्तृपक्ष निर्यातना देवास स्लो पॉइजन इंजेक्शन दे हत्या करिथिबा अभिजोग आनिछंती परिवार लोके एथिसह मृत्यु पूर्वरु सुभ्रांशु तांका परिवार लोकनको पाखकु पठाइथिबा एक वीडियो रे जेल भितरे तांका प्रति हेउथिबा निर्यातना ओ निशा कारबार कथा कहुथिबा देखिबाकु मिलिछि। एहार उच्चस्तरीय तदंत दाबी करिछंती मृत सुभ्रांशुंका मा देखा कली देखा करी ताके पचारो सी कहला कि मामा आउ मते एमती धमक दउचंती आउ एमती करचंती मते एमती हैरान करिवे जीवन मारदबाक मध्ये मते धमक दिया हैछि पुवाकु जेलर सुपरटेंट आउ के जनकर नाम लिखिछि से माने सो मिसी कि मार देइचंती माकु मध्ये कहितिले जे मा मते माने मारि देबे एणु मो बहुत डर लागुछि मा ताकु बुझै के आस्तिले जेते बेले से वीडियो पठेला जेल भितर जे मते मारि देबे ए खबर पाइला पर आमे आसी मतलब किसी समय पर खबर पाइल मारि जेलर आ जेल कर्मचारी मिसिक मारि मृत्युर दुई दिन पूर्व सुभ्रांशु जेल रे कथा होइथिले मा परे हठात सुभ्रांशु मृत्यु को नहीं एबे उठी अनेक प्रश्नवाची वीडियो भाइराल परे जेल कर्तृपक्ष आक्रोशमूलक पदक्षेप नहीं नाहंती तो घटना दिन जेल रे दुई कैदी गोष्ठी भितर होइथिला ग्यांगवार एहा परे जेल कर्तृपक्ष सुभ्रांशु को अन्य एक सेल को स्थानांतर करिबार किछि समय परे असुस्थ होई पड़िथिले तांकु कटक बड़ मेडिकल अणा जाइथिबा बेले डाक्टर मृत्यु घोषणा करिथिले हेले समस्त अभिजोग को खंडन करिछंती जेल अधीक्षक कहिछंती हृदघात रे सुभ्रांशु को मृत्यु होईछि तेले अंडर कंट्रोल सबविजन रे सुपरविजन रहिले आउ त कोडी हे का कोन करा हे फॉल्ट करी कर दुए मुआ मई ना ना वारे ने के गाली गुरो टिके से ना तांगो इते हेतु ना को बटन दो तो आ स्टार बसी इंटरप्रेट करी पर कंट्रोल की जेम की के है ने जत ए हम हम देखि रो तुम हम कडो बाहर उई कटो हम कडो ए टाइप रे को हले किछ नथिंग एल्स किछ रेमेडी किछ नाही। केशव बेहरा हत्या मामला रे सुभ्रांशु के सह अन्य 4 जन को आजीवन सजा सुनाईथिले कोर्ट तेबे सुभ्रांशु के मृत्यु रो प्रकृत कारण कोन तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीबा परे स्पष्ट होइजिवो किंतु चौद्वार जेल रे जे सबु किछि ठीक चालू नाही तहा बहु पूर्वरु स्पष्ट होइ सारिछि। कटक रु कैमरा पर्सन दिवेंदु मिश्र के सह नवेश महंती न्यूज 18 ओडिया। नवरंगपुर रे माओ पोस्टर जिलार रायघर संबलपुर गाँव में प्रथम थर पर माओ पोस्टर मरा जाइथिबा देखिबा को मिलिछि। एथिरे रायघर जंगल रु गछ न काटिबा को चेतावनी दे जाइछि गछ न काटे भविष्यत पीढ़ी को लागि रखिबा को पोस्टर रे लेखा जिबा सह न मानिले दंड मिलिबो बोली उल्लेख रहिछि। प्रथम थर पर अंचल रे माओ पोस्टर मरा जाइथिबारु एहा कुने स्थानीय लोके भयभीत होइ पड़िछन्ति ए पोस्टर माओवादी लगाइछन्ति ना आउ केही एहार खोलताड़ चलाइछि पुलिस। महानदी जल विवाद मामलें आपोष बुझाणापी आउ एक सुजोग दे ट्रिब्युनाल ओडिशार मध्यवर्ती कालीन आवेदन उपरे ट्रिब्युनाल आज शुणी पर चूड़ा राय आसंता 30 तारीख जाए स्थगित रखिंट तेज या पूर्व उभय राज्यर एजी अध्यक्षत आईन विशेषज्ञ टीम मध्य आपोष आलोचनापी आउ एक सुजोग ट्रिब्युनाल
आईन विशेषज्ञों टीम और जल संपद सचिवों सहायत सप्ताहक मध्य आपोष बुझामणा कर मार्च 30 पूर्व रिपोर्ट देखते ट्रिब्युनाल आसंता 30 तारीख में मध्यवर्तकालीन आवेदन चूड़ा राय शुणाइबे ट्रिब्युनाल ट्रिब्युनाल अध्यक्ष विचारपति ए एम खानविलकर विचारपति डॉक्टर रवि रंजन और विचारपति इंद्रमित कोचन को नहीं गठित तीन जनिया खंडपीठ से आज शुणाणी होता अणमौसुमी समय छत्तीसगढ़ 1.74 MF परिमाणर जल छाड़ू बोली मध्यवर्तकालीन आवेदन में ओडिशा दावी रखी The Honorable Tribunal felt that it is necessary for the parties to sit again and try and for amicable resolution. So the next date before the tribunal is 30th of March. Before that, the parties among themselves they will decide on which date they will sit together. The court felt that there should be further discussions, and they further directed for the officers of both the states, led by the Advocate General legal team, to discuss. And make one more attempt to solve the issue, and report it back on 30th of March. आमे जहाँ proposal दे थलु समय तक वो ग्रहण करने थले, आउ सेथी पे ही court कहिले, से level का discussion is different, and legal head का discussion is different. Legal point रे आपनों कौन appraise करी परिवे, तो आपन थोड़े चेष्टा करूँ तो कना इटा ही गले, आपको समाधान ही गले सब तो भला, so that court को भी easier होगा to solve the dispute. ग्रीष्म आरंभ नहेणु जल कष्ट अनुगुण जिला बनपाला ब्लक पुर्णा जरासिंहार पानी जल चिंता अचल हो पड़ी लक्ष लक्ष टंका व्यय निर्मित पानी जल प्रकल्प नाल पानी पीवा को बाध्य होती लोके अनुगुण पुर्णा जरासिंहार जल संकट 1500 परिवार समस्या प्रति आखि बुझी प्रशासन गाँव में नलकूर पा ने लगे सका संज जाए लगुच एने गंडगोल भी हो लोके लिंगिरा ना दूषित पा व्यवहार कर गृहपात पशु मानपाए मिलूना बर्तमान आम जरसिंगार जलर समस्या उत्कट आकार धारण कर लोक मैंने पा टे पीवा पा ना बर्तमान उपनगर गुड़ाक सब अचल एवं जो सब नलकूप सब नलकूप धाड़ी लंबा धाड़ी रही लोक मैंने सब जमी स्त्री लोक मैंने पानी भी सुविधा ना पानी सारा ना आम कूर कू सब खिला फड़ी पानी लगे आमको असुविधा होनी खावा लगे पानी पाउन कमी करुचु नौ जन जन पानी छेदे छेदे लौचु जन पर जड़े जहाँ पा सर दौर कूर आठ वर्ष ते ग्राम्य जल जोगाण विभाग तरफ निर्मित होता पानी जल प्रकल्प खर्च भी होता 18 लक्ष टा अचल पड़ी प्रकल्प सेपटे पानी जल समस्या समाधान लगे पदक्षेप निर्वाही जंत्री गृहपात पशु अनेक लोक रखिंट लोक गाधवाई पानी टी पा ना कि खाया बहुत कष्ट चलते नलकूर भाग बांटिकी पा ना भाया लोक नौ यू 5 किलोमीटर दूर से आम प्रोजेक्ट थी जोड़ा कि अनुगुल टाउन को सप्लाई पारुछ पानी किंतु अथच आम ग्राम रे पानी टी आम पाइपारू बर्तमान आम पंचायत स्तर में जल जोगाण व्यवस्था न्यस्त अच्छी तथा आम डिपार्टमेंट बर्तमान प्रियर एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट सहित संश्लिष्ट अच्छी मिसिकी आम काम करुच्छू प्रति पंचायत सरपंच मैंने दायित्व नौकर एस एम पी अच्छा आम जो आम नलेज को आस तुरंत आम माइनर रिपेयर से मेजर रिपेयर आम कर मार्चर घर खरा चिंता सेपटे पानी जल समस्या छटफट होता अनुगुल भिकारी महांती एथर दागी को मिलवन टिकेट प्रार्थी नाँ अपराध मामला थे से निर्वाचन लड़ा दिज्वना घोषणा करजेपी दल पक्ष नुआ गाइडलाइन जारी करा विजय संभावना थिले भी अपराधिक मामला थिले आशायी को टिकेट मिलना जो मैंने लोकंर समस्या सह जड़ित थे दल प्रति से आनुगत्य थी प्राथमिकता दिजाबीजेपी पक्ष न्यासनाल इलेक्शन व्च और आसोसीएसन फर डेमोक्राटिक रिफर्मस तथ्य अनुसार 2014 निर्वाचन में ओडिशा 21 लोकसभा आसन पर 195 जन प्रार्थी होते से मध्य 36 जन विरोध में अपराधिक मामला था 21 जन विरोध में था संगीन अपराधिक मामला बीजेपी यही घोषणा पर राजनीति समीक्षक कहते सब् दल निर्वाचन बेले एमती नीति आदर्श कथ कहती कितु तास्तव में कार्यकारी हो पारे नहीं।
ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଜିଣିବା ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଅଭିଯୋଗ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକି ବିଜେପି ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଅପରାଧିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର କାମରେ ନା ଲଗେଇଛି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗେଇବ। ସୁବିଧା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦଳମାନେ ଅପରାଧିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ଭୋଟର ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବି ନାହିଁ। କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖିବା କଥା ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଏ ଜିତିପାରିବ, କାହା ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ସେ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବିନା ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ। ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଚିବାଳୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 1560 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା ସହ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର। Ladies and gentlemen, I am delighted that the Health Department's historic initiative for Saturday. Today, 1,560 doctors will be employed. I hope they'll do very well, and I hope they'll take advantage of the excellent new health schemes of our government. I think I'm very honored and to be appointed as assistant surgeon in Niagara district, and it's a huge opportunity and a responsibility as well to be serving under Odisha government. I think there are very various areas in the peripheries where the health service has not reached yet, and we'll work hard towards achieving our goal of Sustha Odisha and Sukhi Odisha. Movartan Marsagai CSRE as a newly posting hiji ମୁଁ ଅଭିୟସ୍ଲି ରୁରାଲରେ ରହିଲା ପରେ ରୁରାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିକଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମେନ୍କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ସୋ ଆଇ ବି ସର୍ଭିଂ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁନୀଲ ଆରୋରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, ଗଣତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହେଲେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ଭିସିଂ ସେନାର ଯବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଶନ ଏକାସଙ୍ଗେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାରାଣସୀ ଆସନ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପୁଣି ବାରାଣସୀରୁ ଲଢ଼ିବେ। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଦେଶରେ କିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରେ, ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାରାଣସୀ ଆସନରେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀ ଆସନରୁ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାରାଥନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଅଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 75,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍। ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବି ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅବସର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ନେତାଙ୍କୁ ଅବସର,
ଏବଂ 70 ପରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦଳୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ହେଲେ 91 ବର୍ଷୀୟ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, 85 ବର୍ଷୀୟ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଏବଂ 77 ବର୍ଷୀୟ କଲରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ हुई और दोनों पार्टियों की सहमति बनी कि झारखंड में 13 सीटों में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 14 सीटों में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और एक सीट ऑल झारखंड आजसू पार्टी एक सीट लड़ेगी। तो ये हमारा गठबंधन के रूप में, हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में झारखंड में जाएंगे। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 2014 ବିଜେପିର 16 ସହଯୋଗୀ ଥିବାବେଳେ 19 ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା 29 ଛୁଇଁବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା, ବିହାରରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସହ ମେଣ୍ଟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜସୁ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ବିଜେପି। 14 ଆସନରୁ ବିଜେପି 13 ଲଢିବ। ଗିରିଡିହ ଆସନକୁ ଦଳ ସୁଦେଶ ମହତୋଙ୍କ ଆଜସୁକୁ ଛାଡ଼ିବ ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶକୁ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇ ବିଦେଶ ପଳାଇଥିବା ମିଷ୍ଟର ନଟବର ଲାଲ ନିରବ ମୋଦି ଏବେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନିରବ ମୋଦି, ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ନିରବ ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ନୋ କମେଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରିହାସ ପରେ ନିରବ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଲଣ୍ଡନର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛି ପିଏନ୍ବି ଲୁଟେରା ନିରବ ମୋଦି। ଦେଶର 14,000 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ବଦଳରେ ପିନ୍ଧୁଛି 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଜ୍ୟାକେଟ୍। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 14,000 କୋଟି ଚୂନ ଲଗାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ହେଲେ ଲଣ୍ଡନର ଏକ ଆଲିଶାନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ପଳାତକ ନିରବ ମୋଦି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଣ୍ଡନରେ ନୂଆ କରି ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଦ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିରବ କେବଳ ସରି, ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପଳାତକ ନିରବ ମୋଦି ବୁଲୁଥିବା ଖବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ନିରବଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିରବ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ସରଗରମ ହୋଇଛି। जितने क्लोजली हम दूसरे केसेस को फॉलो कर रहे थे, विजय माल्या के केस को फॉलो कर रहे थे, उतनी शिद्दत से हम इसको भी कर रहे हैं। सो ये सोचना कि इसमें हमारा ध्यान नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत धारणा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी कदम जरूरी होगा हमें उठाने के लिए, उनके एक्सट्रेडिशन के लिए हम उसको उठाएंगे। जिस तरीके से आज नीरव मोदी लंदन की स्ट्रीट्स में चलते हुए पाए गए हैं, 10,000 पाउंड का लेदर जैकेट पहने हुए हैं, साथ ही साथ हजारों करोड़ों के फ्लैट में रुके हुए हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि छोटा मोदी बड़े मोदी के संरक्षण में देश के बैंकों का पैसा लेकर लूट कर भाग कर अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। दूसरी बात यहां पर स्पष्ट हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पे कार्रवाई करने के बगैर के बजाय उन पे हर तरीके की छूट दे रहे हैं। हमारी सरकार और भी मुल्क के सरकारों के साथ मिलकर उनको दबोच के यहां लाएगी। प्रक्रिया है, वो चालू है प्रक्रिया। जो गद्दार लोग जो देश को लूट के भागे हैं और जिनको पूरी सहायता पहले कांग्रेस पार्टी ने की, जिनके वजह से फले फूले थे यहाँ पर, उनको यहाँ देश में लेके आ आएंगे और देश के कानून से उनको सजा देंगे, ये मोदी जी करके दिखाएंगे। वीडियो रे आवरी किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य खुलासा हुई।
48 वर्षीय पलातक व्यवसायी नीरव मोदी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट निकट एक विलासपूर्ण फ्लाट रुचि आउ नुआकरी सोहरे हीरा व्यवसाय भी आरंभ कर मिलता सूचना अनुसार नीरव मोदी प्रत्यार्पण बर्तवाई लंडन में प्लास्टिक सर्जरी कर लंडन में केते दिन हेबा नीरव मोदी रोची तार ठिकना कहीं भी कहीपार नीरव मोदी विरोध में इंटरपोल गत वर्ष ही रेड कर्नर नोटिस जारी करता हेले नीरव सठिक ठिकना मिलजा पर ही इंटरपोल गिरफ करपे हेले बड़ प्रश्न रेड कर्नर नोटिस सत्वे लंडन भली स्थान में बिना भय नीरव मोदी केमिति रही पार्टी ता एबे बड़ प्रश्न होउछि ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया अनुगुल सातकोशिया व्याघ्र प्रकल्प एनक्लोजर रे थिबा बाघुणी सुंदरी को एबे बाहर छोडा जीव नाही आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करा न जीवा पर्यंत सुंदरी को जंगल रे छोडा जीव नाही बोली डब्ल्यूआईआई रा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश सूचना दैछंती 2008 नवंबर रे रमेपंच रे सुंदरी को टिकरपड़ा रेंज रो मझीपड़ा जंगल रु धरा जाय एनक्लोजर भितर छोडा जाय छी या भितर 4 मास रु अधिक समय बीती गला मुक्त भाव रे जंगल रे विचरण करतुवा सुंदरी मात्र 2.5 एकर जमी भी रा तारवाड़ा भितर रहूछि हाथ टेका खाद्य खाऊ मनुष्य को अनवरत देखुची तेणु प्राणी विशेषज्ञ कहवा अनुजाई एत दिन मनुष्य संस्पर्शन आसवास एक सीमाबद्ध जीवन बीतवा पर सुंदरीर हिंस्रता ह्रास पाई भविष्य में जंगल भितर छाड़े से शिकार कर नपारी पुणि थे जनबसति मुहां हो डेराडून स्थित डब्ल्यूआईआई वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश शनिवार सातकोशिया जा सुंदरी गतिविधि देखी सातकोशिया व्याघ्र प्रकल्प को निश्चित भाव में सफल से मत रखिंट अभी तो वी हैव जस्ट कम टू रिव्यू द होल सिचुएशन हम इसको रिव्यू करके फिर वन बाय वन जो भी हमारा जो इश्यू थे उसका एड्रेस करके इसके आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट इज मैंने जो पहले से भी कहा है दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा सपोर्टेड बाय NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा लोगों को एणिकी बढ़ियों तापमात्रा आसंता 4 दिन में तापमात्रा 40 डिग्री छुए बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग आभ्यंतरण ओडिशार मध्य 40 डिग्री उपरे रहिबो तापमात्रा अनायत रहिबो करिबो खरा आउ गरम आगामी 4 दिन पर्यंत राज्य में पाग शुखिला रहिबा सह आकाश मध्य सफा रहिबो जहां तापमात्रा बढ़िबारे सहायक हेबो गत 24 घंटार 18 टी सहर तापमात्रा 30 डिग्री उपरे रहिछि मार्च 15 सुधा 43 डिग्री पर्यंत तापमात्रा जीवो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि मालकानगिरी असह्य गरम जोगु जिला प्रशासन पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि स्वास्थ्य विभाग पक्षरु अंगनवाड़ी केन्द्र रे लोकंकु सचेतन करा जिबा सहित जिलार समस्त चिकित्सालय रे अंशुघात पई खोला जाइछि स्वतंत्र कक्ष संता 4 दिन पर्यंत पाग शुखिला रहिबो थंडरस्टॉर्म रो वार्निंग मध्ये नाही किछि मत्स्यजीव मानव पई कोनो सतर्क सूचना नाही किंतु आसंता 4 दिन पर्यंत ओडिशा रो प्राय जिला रे मेनली आभ्यंतरण जिला मानकरे टेम्परेचर राइज करिवो डेली डेली प्राय गोटे गोटे डिग्री बढ़ी के 38-39 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आसंता 4 दिन भितर आभ्यंतर ओडिशा रे टेम्परेचर रहिवो एते खरा होची जे पढ़ा पे मिसा इंटरेस्ट लागु नाही आउरी एते करा रे कूडी खेलबु बिजार मिसा लागुतिवो तापर जदि भाई चांस रे जदि करेन गला बोले एते करा रे जाळ फुटी किना केबल नेटवर्क रे निजर मनपसंद चैनल बाचवार शेष तारीख पाखे आसुची जहाँकि मार्च 31 तारीख से आम आपको मन पकई देवाक चाहूँ जो आपंकर अति प्रिय चैनल न्यूज 18 ओडिया को आनी मात्र 10 पैसा मस सारा देखिपर आज ही आपंक DTH केबल अपरेटर सह जोजोग करूँ अथवा अनलाइन सब्सक्राइब करूँ समय होबरको नमस्कार।